नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। कोरोना वायरस को लेकर के एक अलग तरह की खबर आ रही है, वो ये कि कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस आएगा और जो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस समय लगभग ये 77 कंट्रीज़ में फैल चुका है और उससे बहुत सारे लोगों की डेथ होगी, इसकी भविष्यवाणी 40 साल पहले हुई थी। चूँकि ऐसी भविष्यवाणियाँ होती रहती है इसलिए कोई यकीन नहीं किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये अमेरिकी लेखक थे डीन कूंट्ज, उनकी किताब के हवाले से ये दावा किया गया था। लेकिन अब एक और अमेरिकी लेखक की किताब में इस वायरस के मिलते जुलते लक्षण होने का दावा किया गया है और ये काफ़ी किताब चर्चित हो रही है, ये आउट ऑफ द स्टॉक भी हो गई है। सोशल मीडिया पर इस किताब को लेकर के अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही है। ये इस किताब की लेखिका हैं सिल्विया ब्राउनी। इन्होंने जुलाई 2008 में एंड ऑफ डेज नाम की किताब में लिखा था कि इसके बारे में, ऐसे वायरस के बारे में, और इसमें ये भी लिखा था कि ऐसे ऐसे इसके लक्षण होंगे इसमें, जिसमें कि निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दरअसल ये एक तरह का निमोनिया ही होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और ये बीमारी फेफड़ों श्वास नलियों पर हमला करेगा, इसका कोई इलाज नहीं होगा। इस चेतावनी के अटकलों के को बल मिला और ये इसमें ये भी बात आ रही है कि ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ दावा किया गया है। तो यानी कि अचानक गायब होगा, जितनी तेज़ी से ये वायरस फैलेगा उतनी ही तेज़ी से ये ख़त्म हो जाएगा। तो हकीकत यही है कि 77 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है और अभी तक, अभी चाइना से खबर आ रही है कि उन्होंने कुछ इसमें अनुसंधान किया है, कोई टीका निकाला है, बट अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर जो है ये भी कहा जा रहा है कि ये 10 साल बाद इसका फिर से आगमन होगा। तो अब ये देखते हैं कि सिल्विया ब्राउनी खुद को मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक गुरु कहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है और टीवी रेडियो के जरिए उनके कई शो आते थे और इस तरीके से जो है इसके बारे में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब ये बात आ रही है कि किताब की बिक्री जो है अचानक इसकी मांग बढ़ गई है। सिल्विया ब्राउनी की आधिकारिक वेबसाइट जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये किताब स्टॉक में नहीं है और ये अब जो वेबसाइट है उनका बेटा चलाता है। तो ये एक नई तरह की जानकारी है कह सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। हकीकत तो यही है कि पूरी दुनिया हलकान है और कोई अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हाँ हमने दावे के साथ इसका टीका ईजाद कर लिया, इलाज शुरू ढूंढ लिया है, अभी तो नहीं कहा जा सकता। अभी तो वो रिसर्च के लेवल पर ही है, या यदि चीन दावा कर रहा है कि उसके मेजर जनरल को इलाज ढूंढ करके या उसका टीका लगाया गया है तो उसका अभी इफेक्ट देखा जाना बाकी है कि उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, वो कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो बहरहाल ये किताब का खासी चर्चित हो रही है, देखते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।